अबे हाथ लगा। अबे तू लगा। अबे हाथ तो लगा के दिखा। तू लगा। एक मिनट क्या हो रहा है भैया? अरे सॉरी भैया, हमारी गलती थी। हैं? क्या गलती? गलती क्या? अरे भैया, वो चिंगारी गैंग को पता चल गया ना, तो यही ठोक देंगे दोनों को। मेरी भी गलती थी यार भाई, सॉरी यार, निकलते चलो। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ पता भी है हम कौन है? आपको कौन नहीं जानता मैडम, आप करिश्मा मैडम हो ना, वो भौकाल वाली। भौकाल वाली नहीं भैया, बिना भौकाल वाली करिश्मा मैडम। अरे इनका भौकाल तो नहीं कि पुलिस स्टेशन में बैग पड़ा है। तुम्हारी मैया की सासू मैया, क्या बोले तुम हमारे बारे में? तुम्हारा भौकाल खत्म हो गया, भौकाल खत्म हो गया हमारा। क्या बोले तुम? क्या बोले तुम? हमारा भौकाल खत्म हो गया। अच्छा मैडम बोलते हैं। भड़ास निकालने का ये तरीका भी अच्छा है, मन मन में पूरा भड़ास निकाल लो, मजा सा आ गया। अगर इस थाने में FIR नहीं आई तो ये थाना बंद हो जाएगा। सोच ले, मैं फिर कहती हूँ हमें चिंगारी गैंग के पास ही चलना चाहिए, वहीं मिलेगा हमें सही इंसाफ। हाँ हाँ चल चिंगारी गैंग के पास चलते हैं। नहीं नहीं सुनिए प्लीज रुकिए, यहाँ इस तरफ देखिए, हमें SHO हसीना मलिक, आप लोग प्लीज अंदर थाने में आइए, आपकी जो भी परेशानी है हमें बताइए, रिपोर्ट लिखवाइए, हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कोई फायदा नहीं है मैडम से, सुबह से हम भी यही कर रहे हैं, कोई पुलिस के पास आने के लिए तैयार ही नहीं है, सब भूल गए हैं कि हम सब ने इस शहर के लिए क्या क्या किया है। मैडम सर अगर केस नहीं आना तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे हम, हमें एक अदद केस का बहुत ज्यादा जरूरत है, और कैसे आएगा, कैसे कोई हमारी डूबती नैया को बचाएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर। खाला, खाला यहाँ क्या कर रही है? हसीना बेटा। अरे खाला आप यहाँ कैसे? रिपोर्ट लिखवानी है, शीना छुपी हुई है हमारे साथ, दो कंपक बाइक पर आए और हमारे गले से हमारे सोने की चेन छीन कर चले गए। क्या? अरे हमारी शक्ल क्या देख रही हो, रिपोर्ट लिखो ना। हाँ अब बैठिए, अब बैठिए। अरे क्या? क्या देख रहे हैं, गायब ख्याली बढ़ती जा रही है तुम्हारी, बचपन से हमारे साथ रह रही हो लेकिन ये नहीं जानती कि हमें कौन सा कोल्ड ड्रिंक पसंद है। वो हम भूल गए। खाला हमें पता है कि आपको ऑरेंज वाला कोल्ड ड्रिंक पसंद है। इकबाल हाँ, ऑरेंज वाला कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ जाओ। ये है मेरी असली बेटी, शुरू से ध्यान रख रही है मेरा, तुम्हारी अम्मी ऐसे ही नहीं, तुम्हारी नहीं बल्कि इसकी दीवानी है। अरे तुम्हें पता है इसके तो मोबाइल के वॉलपेपर पे भी मेरी फोटो है। अच्छा दिखाओ बेटा। जाने दीजिए ना खाला, वो ठीक है। नहीं 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 दिखाइए ना, आप दिखाओ, दिखाइए जी। हाँ आप लोग नहीं, वो उनको मॉल में शॉपिंग करना था ना, तो हमको लगा कि भाई अब थाना में तो काम है नहीं तो हम साथ में चले जाते, तो वहीं फोटो वोटो हमने क्लिक कर ली। क्या कर रही हैं आप? हमारी फोटो ढूंढ रहे हैं हम। आप अभी भी यही खड़े हैं? अरे जाइए कोल्ड ड्रिंक लेके आइए हमारे लिए। आप कौन? अरे मैडम सर की खाला है वो। अच्छा आप बाहर रहते हैं क्या कहीं? कभी देखा नहीं इसके पहले। जी सहारनपुर में रहती है। क्या है ना मैडम सर की अम्मी जो है ना वो अपने घुटनों के इलाज के लिए बाहर गई है, तो इसलिए उनकी खाला जो है वो मैडम सर के साथ रह रही है पिछले एक महीने से, ताकि वो मैडम सर का ख्याल रख सके। ओ, अच्छा अच्छा। बकैती हो गया सबका या फिर आधार कार्ड पूरा देख के जाओगे? नहीं जाओ ना फिर। आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? देखो बेटा हम बाजार गए थे सब्जी लाने, तो हम सब्जी ले ही रहे थे तो दो मुस्टंडे बाइक पर से आए पीछे से और हमारे गले में से हमारी सोने की चेन ऐसे खींच के चले गए। क्या? बाइक का रंग क्या था खाला? ऑरेंज। नहीं नहीं ऑरेंज नहीं, काला था। नहीं हम इसकी बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की, आपको पसंद है ना? वो जो बाइक थे लुटेरे थे उनके बारे में आप कुछ बता सकती हैं?
एक मिनट करिश्मा सिंह। खाला एक बात बताइए, हमारी आंखों में देखकर जवाब दीजिएगा, सच में आपके साथ ये सब हुआ है या फिर आपको कहीं से पता चल गया है कि हमारे इस थाने को एफआईआर की जरूरत है, इसलिए आप मदद करने यहाँ आ गई? अपनी खाला पर शक कर रही हो? अपनी खाला है इसीलिए शक कर रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ हमारे लिए आई हैं तो प्लीज। देखो बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं हम, अरे तुम्हारी अम्मी ने दिया हुआ लॉकेट था वो, और तुम्हें तो पता है ना बेटा वो लॉकेट हमारे लिए कितना अजीज था। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जाने दीजिए ना आप खाला, हम आप पे विश्वास करते हैं, हमें पता है आप जो कह रही हैं वो एकदम सही है, आप सच बोल रही हैं। देखा ये है हमारी बेटी, पूरा यकीन करती है तुम्हारी खाला पर, और एक तुम हो कि अपनी ही खाला पर शक कर रही हो। पुष्पा जी रजिस्टर लाइए ना जी। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम द स्पाई। कितने में पड़ा? अरे खाला 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 मिले, एक महीने से हमारा नहीं पड़ा है पाला। कितने में पड़ा? मैं तो यही पड़ा रहता हूँ, फ्री में पड़ा रहता हूँ, थाने के लिए समर्पित हूँ मैं। ये चश्मा कितने पड़ा? एक्सक्यूज मी खाला, दिस इज नॉट चश्मा खाला, दिस इज गॉगला है, गॉगल है, 2000 में पड़ा। लूट गए, चूना लग गया। अरे बेगमपुर वाले मार्केट में ऐसे 200-200 रुपए पे पड़े मिलते हैं सड़क पे। आप बताइए ना उनका हुलिया, कुछ ऐसी बातें जो हमें उनसे पकड़ने में मदद करे, बताइए। मैडम सर हम जा रहे हैं तहकीकात करने, और छोड़ेंगे नहीं इन टोपा लोगों को जिन्होंने खाला के लॉकेट पे हाथ डाला है, खोद के निकालेंगे इनको और उनको बताएंगे कि इन्होंने किस मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाला है। तब तक आप डीएसपी सर को फोन करके बता सकती कि हमारे पास एफआईआर आ गया है, तहकीकात शुरू हो गया है, ताकि जनता का हमारे थाना पे वापस विश्वास बने। जी जय हिंद मैडम सर। पकौड़ा हटोगे? मैडम सर करिश्मा जी बिल्कुल सही कह रही, आप कीजिए ना फोन। हाँ अभी फोन करते हैं। डीएसपी सर का फोन आ गया। जय हिंद सर। जय हिंद। हम अभी आप ही को फोन करने वाले थे, एक अच्छी खबर है आपके लिए। अच्छा, अगर हम गलत नहीं हैं, तो हमारे विचार से आपकी आवाज का आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि आपको एफआईआर मिल चुकी है, और अगर नहीं मिली है तो हमारे विचार से आपको जल्द से जल्द चिंगारी गैंग से हाथ मिला लेना चाहिए। सर देखिए आप जिस समझौते की बात कर रहे हैं वो पहले भी नामुमकिन था और अब भी नामुमकिन है, लेकिन आपका पहला गेस बिल्कुल सही था, हम एक एफआईआर मिल गई है, करिश्मा सिंह ने तफ्तीश शुरू कर भी दी है, बहुत जल्द हम इस केस को सॉल्व कर देंगे। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमें सुनकर बहुत खुशी हुई, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा हम रखते हैं। जी सर जय हिंद। जय हिंद। अब सब ठीक होगा। ताई अरे क्या हुआ, क्यों छुप रही है बिन्नी? अरे देखने तो दे। अरे इतनी अच्छी तो लग रही है, क्यों छुप रही है? तो ताई अब छुपाने को बचा के है, यो के करा रही है तू? इससे ज्यादा कपड़े तो हमारे गांव में पैदा हुआ बच्चे पहन लेता है। माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे किसी की। अरे ताई कोई इतनी भी सुंदर ना लग रही हूँ मैं। चलो रे के करा रही है ताई। सामने खड़ी हो जा ले। क्या कर रही है तू, आधार कार्ड के लिए फोटो खिंचवा रही है क्या? थोड़ा स्माइल कर। अरे प्यार से ऐसे पोज ले। ले फोटो की चल, चल, मैं, चल, मैं, दे, चल। मैं दे रही हूँ पोज। ला अब चल फोटो दिखा मड़े। ओ भाई साहब चल अब आगे बता क्या करना है। तेरा फोन दे ले। Thank you.
ये गई तेरी फोटो इंटरनेट के सबसे पॉपुलर फ्रेंडशिप साइट पे। ये पकड़ तेरा फोन और जल्दी से अपनी पसंद के किसी लड़के को हेलो भेज दे। चल शुरू हो जा। रहता यो सब छोड़, तो यो बता थारे को कैसे पता इस साइट के बारे में? अरे प्यार के लिए कौन नहीं भटकता, चार प्रोफाइल मेरे भी है इसी साइट पे अलग अलग नाम से। रहता यो के करिए तो इस बुढ़ापे में बुढ़ी होगी तू। ये देख, ये देख। ताई, तू तो घनी चालू चीज निकली। चुप कर, तू भी अपना काम कर जा। What happened? ले, ले देख। तुम्हारे फैलाए हुए रायते का साइड इफेक्ट आ गया। मैसेज आया है किसी का, पढ़। किसका मैसेज आया? पढ़, 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 पढ़। अरे क्या लड़की है, क्या नाम इसका? बबीता बब्बू। ओ, खूब के देखनी चाहिए। ए, तू क्या देख रहे? हाँ, थोड़ा, थोड़ा। तेरे लिए तो आधा ही काफी है। क्या बोला था तुम हमसे? इस एप्लीकेशन पर, इस डेटिंग साइट पर खाली वही लोग आते हैं जिनका दिल टूटा होता है। ध्यान से शकल देख इसका। शकल देख, कहां से लगती है कि इसका दिल टूटा हुआ होगा? हमको तो लगता है इसके चक्कर में कई लोगों का माथा उथा फूटा होगा। नहीं, कुछ टूटा था, कुछ बिखरा था, कुछ टूटा था, कुछ बिखरा था, कुछ आवाज आई थी। बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो। नए टुकड़े मिले तो पता चले ना यार। बस कर रे, बस कर रे, गुलजार साहब के रसोई के झाड़न। कभी तो ठीक बोल, हमेशा बेहुदा फालतू गिर करता रहे। तूने मुझसे वादा किया था ये डेटिंग ऐप एक बार तो आजमा कर देखेगा। बिल्ले झूठ रहे, हम वादा कभी नहीं किया, झूठ बोल रहा है। तुम भूल गए हो चीते, तुम भूल गए हो। पलट मत जाना, तुमने वादा किया था। हाय भेज दे, हाय भेज दे। अरे क्या भेज दे, हाय भेज, हाय भेज, हाय भेज, हाय नहीं भेज रहे इसको। अरे चिट्टा, इतना बोल रहा है भेज दे। माँ कसम करो, मुझे मौका मिलता ना तुम्हें दिन भर काम धंधा छोड़ के हाय 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 भेजते। एक सेकंड, हमको दो, हमको दो। रे, 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 क्या ये भी कोई वायासी लड़की, इसको कौन हाय भेजेगा? रुको, इसको अपने प्रोफाइल से हम नॉट इंटरेस्टेड मैसेज करते हैं। नॉट इंटरेस्टेड, हम नॉट इंटरेस्टेड है। ये देखो, बिरयानी पके नहीं कि हड्डी चूसने आ गए या कबाब में हड्डी बनने के लिए। निकलो यहाँ से। ए, तू भेज, किसी की बात मत सुन। तू हाय भेज, नहीं भेज, मत कर, मत कर, हमको हाय भेज, मत भेज। ये कौन है? ये बाप रे, चल ना। सर, सर एक सवाल प्लीज। सर, 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 डीएसपी साहब, क्या ये सच है कि थाना बचाने के लिए थाने के लोग खुद ही अपने रिश्तेदारों से एफआईआर लिखवा रहे हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है डीएसपी साहब? पुलिस जैसे कैसे सरेआम जनता की आंखों में धूल झोंक सकती है? ये तो चीटिंग है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर चुप क्यों, जवाब दीजिए प्लीज। सर, 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 जवाब दीजिए। सर, 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 बोलिए सर प्लीज। सर कहाँ जा रहे हैं? सर, सर जवाब दीजिए। हसीना मलिक, हसीना मलिक, कहाँ हसीना मलिक? जय हिंद सर। जय, आ गई, आ गई। जय, जय हिंद। क्या हुआ? जय हिंद। आपको पता है आपके थाने के बाहर क्या हो रहा है? तो देखा आपने कैसे हमारे शहर का सुरक्षा तंत्र हमें ही धोखा दे रहा है। पुलिस के आला अधिकारी हमसे कहते हैं कि एफआईआर आ रही है, लोकल थानों पर आम जनता का भरोसा अब वापस आ रहा है, जबकि पुलिस खुद ही अपने लोगों से एफआईआर करवाकर आम जनता को धोखा दे रही है, लोगों को झूठे भ्रम जाल फंसा कर अपनी गर्दनें बचा रही है। लेकिन ये आम पब्लिक है साहब, जनता सब जानती है, थाने में आने वाली एफआईआर झूठी है। आपको जवाब देना होगा और हर बार की तरह मैं आपका कोई झूठ नहीं सुनूंगा, ये बात समझ लो आप। मैंने हमेशा आप लोगों की बात मानी, मानी है कि नहीं मानी? जब मानी है तो आप भी मेरी बात माने ना। है, मानती क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं कह रहा होता हूं कि कुछ हो रहा है तो कुछ हो रहा होता है, आप समझते हैं? सर, सर, सर देखिए ये सब झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये इस बात को एक सनसनी खबर बनाने की ये मीडिया की सिर्फ एक ट्रिक है सर। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना सर कि ये मीडिया वाले क्या करते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। बस यही हो रहा है यहाँ पर सर। हम सब जानते हैं, तब तो आप ये भी कहेंगी ना
कि आपके थाने में कोई झूठी रिपोर्ट लिखाई ही नहीं गई। जी सर, हमारे थाने में कोई झूठी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है, ऐसा हम कभी होने ही नहीं दे सकते। वाह, तब तो जो रिपोर्ट लिखाने वाली थी वो आपकी रिश्तेदार नहीं, आपकी खाला। आप जो कह रही हैं, मतलब आपकी वो खाला नहीं है? है सर, वो हमारी खाला हैं और उनके साथ ये चेन स्नैचिंग का केस भी हुआ है, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है सर। अरे हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये बात मान कैसे लें, हमें बताइए भला। सर क्योंकि हम कह रहे हैं, देखिए सर, हम हमारी तफ्तीश बिल्कुल जारी है, हम बहुत जल्द चोर को पकड़ भी लेंगे और मीडिया के सामने पेश भी कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे भाई, तब तो मीडिया बड़े आराम से उसे पुलिस का आदमी मान लेगी और पुलिस के ही झूठ की अगली कड़ी मान लेगी, हम सब जानते हैं। सर अब हम क्या करें, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं सर। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना अपनी खाला को कि नहीं, आपका केस हम नहीं लेंगे क्योंकि आप हमारी खाला हैं और इस बात से मीडिया और जनता को बुरा लगेगा। अब अगर यहाँ कोई कंप्लेन करवाने आएगा तो हमें FIR दर्ज तो करनी होगी, और वही किया है हमने सर। और करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही हैं, उनकी तफ्तीश से हम ये साबित कर देंगे कि हम सही हैं और मीडिया वाले गलत। वाह क्या बात है, करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही है। करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रही है, तब तो भाई हमें यहाँ पे करिश्मा सिंह के तफ्तीश का जायजा लेना ही पड़ेगा। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, किस महिला थाने के हर कुर्सी में कील क्यों गड़ी हुई है? कीले नहीं है सर, ये पुष्पा जी का विश्वास है, उन्होंने ही ये हर जगह कीले लगाई है ताकि हमारे जो थाने का बुरा ग्रह है वो टल जाए, अच्छे दिन वापस आ जाए, एकदम सब बढ़िया बढ़िया हो जाए और FIR आने लगे, इसलिए उन्होंने हर जगह कील लगा दिया है। सर सर हमें माफ कर दीजिए, वो क्या हुआ ना, वैसे देखा जाए तो एक ही कुर्सी में कील लगाई है और आप बार बार उसी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे थे कि आप उस कुर्सी पर ना बैठे इसलिए कुर्सी बदल रहे थे, मगर आप जाकर बार बार उसी कुर्सी पर बैठ गए, इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, हम बेवकूफ है। हाँ? अरे हम बेवकूफ नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर खड़े होकर आप सब लोगों की बातें सुन रहे हैं, मीडिया की बातें नहीं सुन रहे हैं, दुनिया की बातें नहीं सुन रहे हैं। हाँ तो करिश्मा जी बताइए, क्या तफ्तीश किया आपने, जल्दी बताइए। जी सर, हमने मुआयना किया घटनास्थल का, जहाँ खाला ने बताया था कि उनके साथ वो घटना हुई थी चेन स्नैचिंग की, पर सर हमने वहाँ का CCTV फुटेज भी देखा, हमने आसपास लोगों से भी पूछा, ना तो हमें CCTV फुटेज में कुछ मिला और ना ही वहाँ के आसपास लोगों से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने भी ऐसे कोई घटना होते हुए नहीं देखा है। जस्मदीद वहाँ पे मिलेगा कैसे, जब वो घटना घटी ही नहीं तो वहाँ पे कैसे कोई कुछ मिल जाएगा? आप लोगों को ये समझना चाहिए कि मेरे ऊपर भी लोग हैं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके इस झूठी FIR पर इंक्वायरी बैठेगी, और अगर ये साबित हो गया ये झूठ है तो आपकी खाला को जेल में ठूस दिया जाएगा, और अगर ये साबित हो गया ना कि सब किया धारा आप लोगों का है, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आपके इस थाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। ये सब क्या है, झूठी रिपोर्ट लिखवाई खाला ने, क्यों, किस लिए? तो आपका कहना है कि आप सुबह सब्जी लेने के लिए शंकर मार्केट गई, वहाँ कुछ बाइक सवार लुटेरे जबरदस्ती आपका लॉकेट छीन ली और भाग गए। जी बिल्कुल। तो बाइक पर कितने सवार थे, एक या तीन? दो। ठीक से याद करके बताइए कितने थे। नहीं याद करने की क्या जरूरत है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। दो थे। बहुत
बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपका याददाश्त इस उम्र में भी बहुत अच्छा है। तो अभी जो आपका वो अच्छा याददाश्त है उस पर थोड़ा और जोर लगाइए और याद करने की कोशिश कीजिए कि जिस बाइक पे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था उस बाइक का नंबर क्या था। देखिए नंबर तो हमने देखा नहीं। अरे काहे नहीं देखे, चश्मा नहीं पहने थे का? देखिए कीचड़ लगा हुआ था। चश्मे पे कीचड़? देखिए खाला जी आप बुरा मत मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब आपने जानबूझ के किया है। हो सकता है हसीना जी ने आपको मजबूर किया हो थाना में FIR लाने के लिए, ये थाना को बचाने के लिए। तो आपका कहना है कि आप सुबह सब्जी लेने के लिए शंकर मार्केट गई, वहाँ कुछ बाइक सवार लुटेरे जबरदस्ती आपका लॉकेट छीन ली और भाग गए। जी बिल्कुल। तो बाइक पर कितने सवार थे, एक या तीन? दो। जिस बाइक पे लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था उस बाइक का नंबर क्या था? देखिए नंबर तो हमने देखा नहीं। अरे काहे नहीं देखे, चश्मा नहीं पहने थे का? देखिए कीचड़ लगा हुआ था। चश्मे पे कीचड़? चश्मे पे कीचड़ कौन लगाता है, नंबर प्लेट है ना, उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ था तो नोट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। साहब हमें तो लगता है कि उन्होंने जानबूझकर नंबर प्लेट पर कीचड़ बल दिया था ताकि नंबर प्लेट दिखाई न दे। मेक सेंस। लुटेरे अगर लूट को अंजाम देने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर प्लेट की नुमाइश तो करेंगे नहीं। चलिए नंबर ना सही, आपने तो उन लुटेरों को तो देखा ही होगा, कैसे थे दिखने में, मतलब उसकी कदकाठी, कोई स्पेसिफिक पहचान जिससे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके और पकड़ सके? देखिए शक्ल तो हम ठीक से देख नहीं पाए थे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन अगर हमारे सामने आएंगे तो हम उन्हें जरूर पहचान लेंगे। मतलब हजार लोगों की भीड़ भी होगी ना साहब तो भी हम पहचान लेंगे। कुछ तो किया होगा आपने, हाथ पैर तो चलाए होंगे। हाँ चलाए ना, देखिए हमारे पास ये हमारी बैग थी ना, तो हमने इसे उन्हें मारने की कोशिश की और रोकने के, हम भागे भी उनकी बाइक के पीछे लेकिन तब तक वो चले गए थे। ठीक है आप हमको करके दिखाइए किस तरह से आपने अपने आप को बचाने का कोशिश किया था, आप डेमो दीजिए। लेकिन देखिए ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज शुरू हो जाइए, चलिए कीजिए। तो देखिए हम ऐसे खड़े थे, तुम कैसे मारने की कोशिश की। ठीक है कंटिन्यू बस हो गया वो क्या है बस इतना। हाँ ठीक है बैठे। देखिए खाला जी आप बुरा मत मानिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब आपने जानबूझ के किया है। हो सकता है हसीना जी ने आपको मजबूर किया हो झूठ बोलने के लिए, हो सकता है उन्होंने आपको मोहरा बनाया हो ये थाना को बचाने के लिए। बंद कीजिए ये सब, से आपकी बकवास की पे बकवास सुने जा रहे हैं। अरे समझते क्या है आप अपने आप को, और आप क्या समझते हैं हमें, और किसे झूठा बोल रहे हैं आप? हसीना मलिक को, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी सच के लिए लड़ते लड़ते, अपने वजूद तक कर झोंक दिया उसे इस सच की लड़ाई के लिए, उसे आप ये इनाम दे रहे हैं झूठा बोल के? अरे हालत देखिए क्या हो गई है मेरी बच्ची की, आपके इस बढ़ती फर्ज और सच के लिए लड़ते लड़ते हमें तो ये तक भी याद नहीं है कि हमने आखिरी बार उसे कब मुस्कुराते हुए देखा था। हमारी गोद में पली बड़ी है, हमारे सामने बड़ी हुई है, हमसे कोई अच्छी तरह से नहीं जान सकता उसे। हसीना मलिक अपने सच के लिए, वर्दी के लिए, फर्ज के लिए अपनी जान दे सकती है लेकिन कभी गद्दारी नहीं कर सकती। हसीना मलिक झूठी नहीं और ना ही उसकी ये खाला। मैडम सर के ऊपर लगे ये बेबुनियाद इल्जाम को हम हटाते रहेंगे।
शिवानी हम बाहर खड़े हैं, कुछ जरूरी बात करना है तुमसे। कहीं से भी खतरा दिखे तो हमला बोल देना और सबने बता दे। बोल करिश्मा सिंह, क्या चाहिए तुझे अब शिवानी दाई से? क्या हुआ? आज पुलिस की हैसियत से बात नहीं करना है तुमसे, मामला थोड़ा पर्सनल है। अकेले में बतियाना है और वो ना तो तुम्हारे यहाँ हो सकता और थाने में हम करना नहीं चाहते, तो हमको कहीं और जाके बात करना होगा। तो तुम आओगी हमारे साथ अकेले में? कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, जानना तो पड़ेगा। जिज्जी तू कहीं ना जा रही है, मना कर दे इसे। अब दुश्मन पे भरोसा करेगी के? दुश्मन पे ही तो भरोसा करना चाहिए बिन्नी, क्योंकि ये लोग सामने से वार करते हैं। डरना तो उन दोस्तों से चाहिए जो पीठ पीछे वार करते हैं। कौवा, डर लग रहा है हमारे साथ अकेले आने में? डरना तो तुझे चाहिए करिश्मा सिंह, कहीं शिवानी अकेले में बेकाबू हो गई तो संभालने वाला कोई भी नहीं है। रुक, आती हूँ। कहा था ना कि आज तुम मुझसे पुलिस वाली की हैसियत से मिलने नहीं आई है, तो फिर ठीक है, मैं भी आज तुझसे शिवानी बनकर मिलूंगी, शिवानी ताई ने। चल, कहां पर चलना है? दुश्मन के साथ जा रही है जीजी, मणे कुछ ठीक ना लग रहा है। शिवानी है वो बिन्नी, अकेली भी किसी जलजले से कम नहीं है, और करिश्मा सिंह को भी हम इतना तो जान ही गए हैं, दुश्मनी भी सलीके से निभाने वालों में से है वो। फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। चल चल, ठीक है, मान ली तेरी बात, अब तू मारा काम कर, मारा फोटो सेशन कर। चल, अरे ढंग से तैयार हो के आ, जैसी चुड़ैल जैसी शक्ल की फोटो वेबसाइट पे डालेगी ना तो जिन्नों और भूतों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, अच्छे लड़कों की नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, जा रही हूँ। जब देखो तब बुढ़िया हमारी बेइज्जती करते रहे। कुछ ना, जा रही हूँ। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। अरे गुरुजी, आपके टोटके ने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। आपने जो टोटका बताया था ना, कुर्सी के बीच में कील ठोकने वाला, उससे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। आप क्या बताएं आपको, कील ऐसी जगह लगी है ना गुरुजी कि सबकी कुर्सियां खतरे में आ गई है। लगता है तुम्हारी मुश्किलें दूर नहीं हुई। जी, हमारी बेटी की मुश्किलें ना कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है, अब क्या बताएं आपको। बेटी? पर करिश्मा सिंह तो आपकी बहू है ना? नहीं नहीं, हम हसीना मैडम की बात कर रहे हैं, हम तो उन्हें हमारी बेटी से बढ़कर मानते हैं ना। ये जो सारे टोटके कर रहे हैं ना हम गुरुजी, ये सब हम उनके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ये जो सारी मुसीबतें आ रही हैं ना भर भर के, वो सारी टल जाए और वो हमारी पहली वाली हंसती खेलती सब में खुशियां बांटने वाली मैडम सर बन जाए। आपको पता है, जब भी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं ना, हमारे जिंदगी के आधे से ज्यादा दुख तो वैसे भी कम हो जाते हैं। उनको हम ऐसे नहीं देख सकते, हमारा कलेजा टूटता है उन्हें ऐसा देखकर।
कुछ भी कीजिए, कुछ भी टोटका कीजिए, जो करना है बताइए, हम सब करने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें सारी मुश्किलों से बचाइए। अरे घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे टोटका उसी का फेल होता है जिसने कोई अधर्म किया हो। तुमने तो कोई पाप या अधर्म नहीं किया ना? अब क्या क्या बताए गुरु जी, अनजाने में हो तो गया है हमसे बहुत बड़ा पाप कि हमने वो खाया गलती से। क्या वो? वो होता है ना। बिल्ली? नहीं नहीं बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं, वो ये तो तुमने अनर्थ कर दिया। हमने वो, मगर वो गलती से खा लिया, हमें नहीं पता था वो है। अब बकरे की माँ अपने बकरे का बदला लेने जरूर आएगी। आई थी गुरुजी, आई थी, मगर अब हमने ना उसे चकमा दे दिया। वो फिर आएगी, जब तक अपना प्रतिशोध नहीं ले लेती वो चैन से नहीं बैठेगी। इंसान अपना प्रतिशोध भूल सकता है लेकिन जानवर नहीं। हो सकता है कि उसके बेटे बकरे की आत्मा अभी भी भटक रही हो और वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आए। तुम तो गई बेटा, खुश रहो। अरे क्या क्या खुश रहो, क्या खुश रहो, कैसे खुश रहो। पुष्पा जी, माफ कर दीजिए मैडम सर, वो कुर्सी में कील ठोक सुना हमने और देखा भी, आपके टोटके वाली बात भी और एक माँ की अपनी बेटी के लिए फिक्र भी। तजुर्बा कहता है हमारा कि जब आजमाइश जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको एक खास मकसद के लिए चुना है। और आप तो हमें बहुत अच्छे से जानती हैं कि मुश्किलों के आगे हम कभी हार नहीं मानते, इस बार भी नहीं मानेंगे। साथ मिलकर और डटकर मुकाबला करेंगे हर मुश्किल का, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और हाँ प्लीज, अब ये रोना धोना बंद कीजिए और बताइए, हमारी खाला को ठीक से घर भेज दिया ना? जी। कितनी अजीब बात है ना पुष्पा जी, हमारी वो खाला जिसने जिंदगी भर हमें सच कहने की सीख दी, आज उसे ही झूठ बोलना पड़ रहा है। थाने को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। मैडम सर, ऐसा तो नहीं है कि आपकी खाला सच में सच बोल रही है मगर आपका मन मानने को तैयार नहीं है? नहीं पुष्पा जी, ये सच हमारे हलक से नहीं उतर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आखिरकार होना तो सब कुछ अच्छा ही है। शायद उधारी का पैसा देता कौन है? मैसेज आया, मैसेज आया, डेटिंग ऐप से आया होगा। रुक रुक रुक, दिल्ली बकवास, दिल्ली बकवास, दिल्ली देख, रिप्लाई कर रहा हूँ, दिल्ली रिप्लाई, दिल्ली रिप्लाई, दिस इज माय ऑर्डर, पकड़ के रखो इसको, स्टे ट्यून, उधर रहो प्लीज। कर रहा रिप्लाई? हाँ रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई इन इंग्लिश, यू आर माई एग्जैक्टली माई ड्रीम गर्ल, ड्रीम जस्ट लाइक स्वप्न सुंदरी। अरे बिल्ले बिल्ले बकवास नहीं, बिल्ले जा गया। रयू तो स्वप्न सुंदरी बोल रहा है। अरे हाँ, ये तो आम बात है, स्वप्न सुंदरी, मनमोहिनी, जानू, प्रियतमा, सब कहते हैं मुझे। ये देखे देखे, थारे को ना बोल रहा है, मारे को बोल रहा है, यो देख। अब मैं क्या करूं, मैं उसे स्वप्न सुंदरा लिखूं क्या? दिमाग खराब हो गया? ये स्वप्न सुंदरा कुछ नहीं होता, तारीफ कर। पावड़ी हो गई क्या तू, इस बुढ़ापे में भी तारीफ करवा रही अपनी? क्या मतलब बुढ़ी? अरे बुढ़ी होगी तू? अरे कमबख्त, वो कमेंट करने वाले लड़के की तारीफ करना, ऐसा कुछ लिख कि पढ़ते ही ना वो लड़का सिर्फ तेरे ही बारे में सोचे और उसकी रातों की नींद उड़ जाए। एक काम करती हूँ, मैं ना उससे उधार मांग लेती हूँ, उधार मांगूंगी ना तो उसकी रातों की नींद खुद ही उड़ जाएगी। उधार मांगना है ना तो थोड़ी अकल उधार मांग ले उससे। अरे कमबख्त, इसीलिए तो कोई लड़का नहीं पटता तुझसे। अरे मजाक कर रही थी, चल मैं उसकी तारीफ कर देती हूँ। हाँ लेकिन तहजीब से, नाजुक लफ्जों का इस्तेमाल कर, वो अपनी बाउंसर गिरी मत दिखा। लड़कों को ना बा अदब लड़कियां बहुत पसंद आती है।
लड़कियां पसंद आते लड़कियां, गुड़िया नहीं। चुप कर। मैसेज आएगा, मैसेज आएगा। पढ़ लेता हूँ। शांति से, शांति बनाए रखे। मुझे ऋतिक रोशन का हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। बागड़ बिल्लो आगे भी लिखा। पढ़ो। ओरिजिनल फोटो भेजो। खत्म 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 पूरा खत्म। हो गया तो एक। हो गया तुम्हारा, हो गया ना, इसीलिए मना कर रहे थे। मत कर यार, सोचना भी मत। फोटो भेजना नहीं, नहीं। बिल्लो द स्पाई तुम्हें मदद करेगा। तुम्हारा ये भाई ऋतिक रोशन का हेयर स्टाइल उसको पसंद है ना। आई विल अरेंज एंड मैनेज। ऋतिक रोशन को? उसके बाल को। अच्छा, ऋतिक रोशन के बाल। जिंदगी भी इस कुल्फी की तरह है ना। अब जब मिल गई है तो इसके मजे लेने चाहिए, इसके टेस्ट के। वैसे भी पिघलने तो वाली है, जिंदगी भी खत्म होने ही वाली है। क्यों? अरे क्या हर बार इतने गुस्से में क्यों रहती है तू? जब देखो तब जरा सी बात पे तोड़ फोड़ मारा मारी। अरे किस बात का सैलाब दबा के रखा है मन में? सबका ना अपना जिंदगी में एक सैलाब होता है। हम सबका ही किसी ना किसी बात को लेके मन के अंदर मंथन चल ही रहा है। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं? किसको भेज रही हैं? तुम्हारी जज्बातों वाली भाई को। का? उसे भी तो पता होना चाहिए ना कि पुलिस करती है तो करने दो, लेकिन ये कुल्फी पुलिस और मुजरिम में कोई भेदभाव नहीं। अरे भैया नहीं, उनको मत भेजो, उनको नहीं पता कि हम आपके साथ हैं। क्या है कि हम नहीं चाहते कि उनको पता चले कि हम तुमसे ऐसे मिलने आए। क्यों क्यों नहीं बताना चाहती? अरे ऐसी क्या बात करनी थी तुझे मुझसे? देख मुद्दे पर आ और बता कि क्या हुआ। तुमने पूछा था ना कि हमारी जिंदगी में क्या सलाब है। दिक्कत यह है कि हम अपनी आंखों के आगे कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। कोई भी मुजरिम हमारी आंखों के सामने आता ना तो हमारा बस खून खौल जाता है और हमारा मन करता है कि हम उसी वक्त इंसाफ दिलाए तुम्हारी तरफ। हमें लगता है कि हमारा तरीका एकदम सही है इंसाफ दिलाने का, कि गरीब मासूम लोगों को हाथों हाथ इंसाफ मिल तो जाता है। लेकिन ये जज्बातों वाली बाई, हमारी थाना प्रमुख SHO हसीना मलिक, उन्होंने ना हमको ऐसा बांध दिया है। ऑर्डर के नाम पे हमारे भौकाल को ऐसे पैक करके एक साइड में फिकवा दिए उन्होंने। उन्होंने हमारे ना ऐसे हाथ बांध दिए, अपंग बना दिया और फिर कहती कि जाके उन दरिंदों के सामने ड्यूटी करो। कैसे करें आप बताइए हमको? ये लोग लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। इनको यही बात हमारे अंदर ना ऐसे चलती रहती है। हमें घुटन होता है बहुत ज्यादा, हमें इस घुटन से निकलना है। बस बहुत हो गया, हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, समझ रहे हो आप? इसीलिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम तुमको ये बोल सके कि हमारा तरीका एकदम सही है लोगों को इंसाफ दिलाने का। इस तरह मर मर के ड्यूटी करने से तो अच्छा है कि हम अपना वर्दी उतार कर वो करें जो हम करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे गैंग में शामिल हो जाएं हम। ये न्याय और अन्याय की जो लड़ाई है इसमें हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। अब नहीं सहन होता हमसे ये घुटन।
हाँ सुन रही हूँ मैं। क्या हम तुम्हारी गैंग में तुम्हारे साथ शामिल हो सकते हैं? हमको मालूम है इतना जल्दी विश्वास नहीं होगा, हम भी तुम्हारी जगह होते तो हम भी ऐसा ही सोचते। क्या हम ठहरे पुलिस, हो सकता है कि हम कोई चाल चल जाए, कुछ गड़बड़ कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सच में ज्वाइन करना चाहते हैं तुम्हारा गैंग, और तुम्हारे तरीके से, जो हमारा तरीका भी है, उस तरीके से लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। देखो ये बात का यकीन कराने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। हम परीक्षा देने के लिए तैयार है अजमाल। सोच ले, परीक्षा है, कड़ी होगी। परवाह नहीं है, तुमको अपने आप पे भरोसा कराने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, बस बोलो। तो ठीक है फिर, हसीना मलिक की खाला के पास जाओ और उसे बोल हसीना मलिक से ये केस लेकर चिंगारी संगठन के पास आ जाए। तभी मैं यकीन करूंगी कि तू जो कह रही है उसमें सच्चाई है। हम सच में ज्वाइन करना चाहते हैं तुम्हारा गैंग, और तुम्हारे तरीके से, जो हमारा तरीका भी है, उस तरीके से लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। देखो ये बात का यकीन कराने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। हम परीक्षा देने के लिए तैयार है अजमाल। तो ठीक है फिर, हसीना मलिक की खाला के पास जाओ और उसे बोल हसीना मलिक से ये केस लेकर चिंगारी संगठन के पास आ जाए। तभी मैं यकीन करूंगी कि तू जो कह रही है उसमें सच्चाई है। कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे पूरा विश्वास है कि हसीना मलिक की खाला झूठ नहीं बोल रही, उसकी बात में सच्चाई है, उसका केस सच्चा है। अब चिंगारी संगठन हसीना मलिक की खाला का केस सुलझाएगी, इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है हसीना मलिक के लिए। बोल, मंजूर है? मंजूर है। हाँ थोड़ा पोछ कर, अच्छा पोछ कर। रे मारी डेट है कि थारी डेट है? चल मारा फोटो खींच, ये ले, ये ले। दे दी ना। रुको, अब एक काम कर, तू जा, मेरे को थोड़ा सा काम है, ठीक है? ये ले, तू निकल, चल जा जा जा। शिवानी तू क्या कर रही है यहाँ? अरे मैं तो घर की तरफ जा रही थी ताई, लेकिन तू इकड़े क्या कर रहा था? और ये कौन है? अरे ये अपना मुंह क्यों छुपा रही है? धूप बहुत है ना, धूप। हाँ तो फिर अच्छी बात है ना, सर्दी की धूप है, उससे स्किन अच्छी होती है। ये इसको हुआ क्या? लेकिन ये चेहरा क्यों छुपा रही है अपना? लो मुझे क्या पता भाई कौन है वो, मैं तो बस ऐसे टहलने निकली थी और यहाँ से गुजर रही थी, तो इसने कहा मेरी दो फोटो खींचवा, मैंने कहा खींच देती हूँ। अब ओ हो गया भाई, ले ले तेरा कैमरा ले और जा यहाँ से बस। ए रुक, ए चेहरा दिखा अपना, पलट। अरे ताई, या अल्लाह, ताई क्या हुआ? ताई, अल्लाह, ताई क्या हुआ? ताई, अरे कम कर चुप। अरे तो पाँव में चुप गया, तो यहाँ क्यों हाथ रखा है? यहाँ वो डर गई थी ना। अरे तो मुझे क्यों डरा रही है?
चल घर चल अभी चल अभी चल चल ना ठीक हो जाओ तुम लोग कहाँ जा रहा है इसीलिए मैंने दरवाजा बंद किया था ना फॉर सेफ्टी ऐका झाबरा सामान हाथ में लेके घूम रहे तुम अरे ये ऋतिक रोशन स्टाइल है उस लड़की को पसंद है ना इसीलिए ये देखो ऋतिक रोशन वाला हेयर स्टाइल बिल्ले सुन पता नहीं कौन सा भाषा में समझेगा यार तुमको 10 बार बोले भाई सब नहीं पसंद हमको लेके जाओ यार हट यार चिते ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ ये तुम्हारी उदासी मुझसे नहीं देखी जाती मैं वो तुम्हारा हंसता खेलता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ पुराना चीता देखना चाहता हूँ मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने दिल से संतोष जी को हटा दो संतोष जी की जगह दूसरी लड़की ले ही नहीं सकती इट्स हाईली इम्पॉसिबल मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मन बहलाने के लिए बस फन के लिए देख जमता है तो ठीक है नहीं तो देवदास बनने में कितना टाइम जाएगा प्लीज मेरे लिए ट्राई करना प्लीज Yes, what you want? क्या केस है तुम्हारा चीते निठल्ले एकदम ऋतिक रोशन सेम टू सेम एकदम सेम टू सेम ऋतिक रोशन हाँ ये बात अपना दिल पर हाथ रख के बोल चल फोटो खींचते इधर 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 बस करना है यार कितना तुम्हारे कहने पर विग पहन लिए सब कपड़ा ऐसा पहन लिया यार चल पूछ दी ये क्या है ये पुलिस की वर्दी में है सिविल कपड़े पहना ना तो सिविल पोज दे मेरे भाई ये बस यार ये सब चुप यस क्या बात देखो देखो कैसे लग रहे हो तुम तो अच्छा लग रहा है यार बिल्ले फिर आइए आइए बदनाम इस चाय पीजिए जो भी चाय पिएगा उसकी जिंदगी सवार जाएगी शांत है कि नहीं एक जहर पिला बदनाम अब पिलाया अबे चपड़ गंजो इंग्लिश पढ़ रहा वेरी गुड हे शिव जी कितना बड़ा अनर्थ हो गया हमसे अनजाने में हमने मटन खाया पाप किया और हमारे पाप की सजा हमारे बेचारा थाना भुगतेगा ऐसे कैसे हो गया हमसे और ऊपर से गुरुजी अलग से डरा के रखा है हमें कि जिस बिट्टू का मांस हमने खाया उसकी आत्मा हमसे बदला लेने के लिए जरूर आ जाएगी ऐसे ऐसे कैसे आत्मा आपसे कैसे एक बार ऐसे क्यों कर रहे हो क्या हुआ तुम्हें हाँ? अबे इकबाल क्या हुआ कौन इकबाल हम बिट्टू हैं कौन बिट्टू जिसको तुमने कट्टू करके खाया था बुढ़ापे मटन खाओगी हम बदला लेने आए हैं बचाओ बचाओ मैं बचाओ बचाओ अरे बचाओ अरे इकबाल अरे बकरे की तरह क्यों फड़फड़ा रहा है तू एक मिनट पहले बताइए तो क्या बक रहा है ये वो बक नहीं रहा है वो बकरा है और ये वही बिट्टू है जिसको कट्टू करके हमने खाया गलती से उसी की आत्मा इसके अंदर आ गई आप हट जाइए आप हम नहीं छोड़ेंगे उसे पुष्पा जी क्या बक रहे हैं आप मतलब क्या बचपना कर रही हैं आप ऐसा थोड़ी ना होता है आत्मा वात्मा थोड़ी ना जाएगी अब छोड़िए आप ईट फेंकिए वही तो मैडम सर हम बकरे की ऐसे आवाज निकाल के मजाक कर रहे थे ये सीरियस हो गई ईट उठा लिया हमारा सर फोड़ने के लिए बताइए अच्छा मजाक कर रहे थे और क्या अच्छा हमको तो लगा मैडम सर देखिए कितना उच्च कोटि का अभिनय किया है तुमने अब बख्शिश तो बनती है दो दो बख्शिश दो बख्शिश दो मैडम जी क्या कर रही है रुकिए आप करिश्मा सिंह की आत्मा आ गई है क्या आपके अंदर रुकिए बंद करिए ये सब
तोड़ू क्या? और अब जाइए घर। घर इस वक्त? अभी हमारी ड्यूटी कहाँ खत्म हुई है मैडम सर? हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी ड्यूटी खत्म हो गई आज के लिए, आप प्लीज घर जाइए, आपको आराम की बहुत जरूरत है, कल आइएगा इत्मीनान से। ठीक है, जय हिंद मैडम सर। और तुम ये मजाक करना बंद करो वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। सॉरी मैडम सर, सॉरी। सबके दिमाग घूमे हुए हैं इस चिंगारी गैंग की वजह से। तुम रिस्क मत लेना बदनाम, जिंदगी में तुमको देख लेना। हाँ बिल्कुल नहीं। खाला चाय। खाला चाय। करिश्मा बेटा, हसीना बहुत बदल गई है। हमने उसे जिंदगी में हर मुसीबत से लड़ते हुए और जीतते हुए देखा है, लेकिन पहली बार हम उसे मुसीबत की वजह से कमजोर होते हुए देख रहे हैं। और सच कहे तो हमसे देखा नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है हमें। कुछ नहीं होगा खाला, उन्हें मैडम सर पे आने वाली हर विपत्ति को हमसे जूझना होगा, और हमसे जूझना इतना आसान नहीं है तो आप जानती हैं। और हम ये आपसे नहीं, हम खुद से वादा कर रहे हैं कि जब तक हमारी जान में जान है ना, मैडम सर पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हम जानते हैं बेटा, तुम जब तक साथ हो ना, हसीना को कुछ भी नहीं हो सकता। बस बेटा ये कोशिश करो कि जल्द से जल्द हसीना को इस मौजूदा दुश्वारियों से निजात मिल जाए बस, और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। ऐसा हो सकता है खाला, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, अगर आप हम पे भरोसा करें और वो करें जो हम आपसे करने को कहें। अरे करिश्मा बेटा, ये भी कोई कहने की बात है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हसीना के लिए कुछ भी। और रही बात विश्वास की, तो हम जानते हैं कि तुमसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त हमारी हसीना का और कौन हो सकता है। चलो बताओ हमें, क्या सोचा है तुमने? देखिए मैडम सर का इस टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन है चिंगारी गैंग। चिंगारी गैंग मुसीबत बन गई है मैडम सर के लिए, अगर ये खत्म हो जाएगा ना तो सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा, और हम चिंगारी गैंग को खत्म करना चाहते हैं, और उसके लिए आपकी मदद लगेगा हमें। हमारी मदद? हम कैसे मदद कर सकते हैं? आपको एक नाटक करना होगा जिसमें आपको मैडम सर की नजरों में बुरा बनना होगा, और हाँ, और जो आप FIR मैडम सर के पास लेके गई है ना, वो आपको चिंगारी गैंग के पास लेके जाना होगा। क्या बात कर रहे हो करिश्मा बेटा, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम करिश्मा बेटा? ऐसे ऐसे करना होगा खाला, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, ये सब हम चिंगारी गैंग का भरोसा जीतने के लिए कर रहे हैं। देखिए अगर आप चिंगारी गैंग के पास अपना केस लेकर जाएंगे ना, तो उसके दो फायदे होंगे। एक, आपका लॉकेट ऐसा तुरंत आपके पास आ जाएगा, और दूसरा, चिंगारी गैंग की जो मुखिया है शिवानी ताई, उसका भरोसा हम पे आ जाएगा। एक बार हम उनका भरोसा जीत लेंगे ना, तो वो हमें चिंगारी गैंग में शामिल कर लेगी, और एक बार हम चिंगारी गैंग में शामिल हो गए ना खाला, हम सच बता रहे हैं, उसी की चिंगारी से उसकी पाप की लंका का दहन ना कर दिया ना, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह नहीं। खाला क्या सोचा आपने? करिश्मा बेटा हम बस इतना ही सोच रहे हैं कि अगर ये बात हसीना को पता चल गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और वैसे भी इतने मुसीबतों से जूझ रही है बेचारी, अगर हमने भी उसका साथ छोड़ दिया तो एकदम टूट ही जाएगी वो। खाला 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 खाला, घाव को भरने के लिए उसको सिलना पड़ता है, और उसमें थोड़ा दर्द तो होता ही है, पर हम ये सब जो कर रहे हैं ये मैडम सर के लिए ही तो कर रहे हैं, उनको इस मुसीबत से निकालने के लिए कर रहे हैं। कभी कभी अपनों के भलाई के लिए ना हमें उनको थोड़ा दर्द देना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप सोच लीजिए, कह कि ये परीक्षा तो आप ही की है, और आपको भी इस पीड़ा का सामना तो करना होगा। आप आराम से सोच लीजिए, फिर हम आपसे मिलने आते हैं। हाँ हाँ, चाय पी लीजिएगा। खाला खाला सच बताइए, आपने थाने में FIR सिर्फ हमारी मदद करने के लिए लिखवाई थी राइट? देखिए प्लीज झूठ मत कहिएगा, क्योंकि सच जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको एक नाटक करना होगा जिसमें आपको मैडम सर की नजरों में बुरा बनना होगा। जिस सच पर पहले से ही सवालिया निशान लगा हो, उसके कुछ भी होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? तुम्हें तो तुम्हारी खाला पर ही यकीन नहीं है, तो कुछ भी कहने सुनने के लिए बचता ही नहीं है ना बेटा। खाला लेकिन आप बस, अब और कुछ भी नहीं।
जा सकती हो तुम। हाँ करिश्मा बेटा, हम तैयार हैं। तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। बस खत्म कर दो इस चिंगारी गैंग को और निकालो हमारी हसीना को इस अजाब से। बोलो क्या करना है हमें? हमारा लॉकेट, जो वो कंबक चोर छीनकर भाग गए। वो लॉकेट हमें हमारी बहन ने दिया था, हसीना की अम्मी ने, हमारी सालगिरह पर। बस उस लॉकेट में हमारी बहुत गहरी यादें बावस्ता है। दरअसल बात यह है कि मैडम सर को इनकी बातों पे विश्वास नहीं है। मैडम सर को लगता है कि ये उनकी मदद करने के लिए झूठी कहानियां बना रही है। जब मैडम सर इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रही तो इनका लॉकेट इनको वापस लाकर कैसे देंगे? और इनको इस बात का डर है कि कहीं देर ना हो जाए, उस चक्कर में लॉकेट इनके हाथ में कभी ना आ पाए। देखिए हमें तो बस हमारा लॉकेट चाहिए, जरिया कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करिश्मा ने कहा कि आप हमारी मदद कर सकती है, इसलिए हम यहाँ आए। देखिए अगर आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप साफ साफ बता दीजिए हमें, हम खुद निकलेंगे ढूंढने उन कमबख्तों को और उनको ढूंढ के ऐसा फोड़ेंगे, ऐसा फोड़ेंगे ना। जज्बात वाली बाई की खाला होकर ये तेवर? वैसे तो हम खाला करिश्मा की भी है। भोकल भोकल सेम सेम। ठीक है बताइए कहां पर हुआ आपके साथ ये सब? उन लुटेरों ने आपकी चेन और आपका लॉकेट कहां पर छीना था? और शंकर चौक है ना, बस थोड़ा उससे थोड़ा आगे। बिन्नी। हाँ जी जी। उस इलाके में जाकर अपने सभी मुखबिरों को हड़का दे, खबर फैला दे कि जिसने भी ये हरकत की है, जिसने भी इनका लॉकेट छीना है, वो यहाँ पर आके ईमानदारी से उसे जमा करवा दे। नहीं तो अगर हमने अपने तरीके से उन्हें सबक सिखाया ना तो उसके दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों की राख से तो इनका लॉकेट मिल ही जाएगा। आप पहली बार रंगरेज गली आई है, बहुत सुना होगा आपने इस गली के बारे में। आइए हम आपको असली रंगरेज गली दिखाते हैं। आइए चिंगारी संगठन की औरतों के हाथ में शस्त्र देखकर लोगों को लगता है कि हम औरतों को हिंसक बना रहे हैं, जबकि हम तो औरतों की आने वाली पीढ़ी को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं उन्हें शिक्षा का शस्त्र देकर। ये बच्चियां आने वाले कल का भविष्य है, जब ये शिक्षित होगी तो पूरा देश शिक्षित होगा, पूरा देश शिक्षित होगा तो औरतों का अपने आप सम्मान होने लगेगा, वो सक्षम होगी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, तो फिर इस देश को किसी चिंगारी गैंग की क्या जरूरत पड़ेगी। आइए सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, ये उन पढ़े लिखे जानवर उसे खुद को बचाने के लिए जिनको शिक्षा का अमृत भी इंसान नहीं बना पाता, जिनके लिए एक अकेली औरत सिर्फ एक मौका होती है और कुछ नहीं। आपने ये जो गली देखी अभी वो सायरा ताई की ही मिल्कियत है। सायरा ताई यहाँ की मालकिन है, यहाँ से जो भी पैसा मिलता है वो चिंगारी गैंग के औरतों के जरूरत के काम आता है, चिंगारी संगठन के खर्चे भी यही उठाती है। इन शॉर्ट चिंगारी गैंग के अन्नदाता यही है सायरा ताई। आइए वो हमारा लॉकेट।
माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। बिन्ने, अजीत जी, ये दोनों इस शहर में मुझे दोबारा नहीं दिखने चाहिए। इन दोनों की इतनी हड्डियां तोड़ना कि इन्हें पूरी जिंदगी लग जाए इन्हें जोड़ने में। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं आपका लॉकेट लीजिए। चलो उठाओ, ले जाए ना, ये लीजिए आपकी अमानत। शुक्रिया, शुक्रिया। करिश्मा सिंह, तूने साबित कर ही दिखाया कि तू चिंगारी संगठन के प्रति कितनी ईमानदार और समर्पित है। तू इस परीक्षा में पास हो गई, अब से तू चिंगारी संगठन का हिस्सा है और पुलिस में रहकर हमारे लिए काम करेगी। वेलकम टू द चिंगारी गैंग फैमिली करिश्मा सिंह। गजब, योग्य और आताई, वर्दी और मरून एक साथ। पहले जिस वर्दी का आना रंगेज कली में वर्जित था, अब उसके साथ बैठ के हमें पकौड़े खाने पड़ेंगे। ये शिवानी ने ठीक नहीं किया बिन्नी, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे एक बार हमसे तो मशवरा करना चाहिए था।